कर्नाटक में राज्य सरकार पर संकट आने के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने कांग्रेस जेडीएस को मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया। मायावती ने अपने पार्टी के नेता एन महेश को एचडी कुमार स्वामी सरकार के विश्वास मत के दौरान उनके पक्ष में मत डालने को कहा, परंतु ऐसा हो न सका। दरअसल इस प्रक्रिया के दौरान बसपा नेता वहां से नदारद दिखे। इस बारे में उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कहा कि यह सब कुछ कम्युनिकेशन गैप के कारण हुआ, क्योंकि वह ट्विटर के बारे में नहीं जानते। आपको बता दें कि एचडी कुमार स्वामी सरकार गिरने के बाद मायावती ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार रात को एक ट्वीट में कहा, कर्नाटक में कुमार स्वामी सरकार के समर्थन में वोट देने के पार्टी हाईकमान के निर्देश का उल्लंघन करके बीएसपी विधायक एन महेश विश्वास मत में अनुपस्थित रहे, जो अनुशासनहीनता है। इसे पार्टी ने अति गंभीरता से लिया है और इसलिए महेश को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। वहीं बसपा नेता महेश ने खुद का बचाव करते हुए कहा, हमारी पार्टी के कर्नाटक प्रभारी और राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ ने बहन मायावती से बात करने के बाद मुझे तटस्थ रहने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि वह ट्विटर के बारे में नहीं जानते, तो इसी कारण मायावती द्वारा ट्वीट करके उन्हें कुमारस्वामी सरकार का समर्थन करने की जानकारी के बारे में पता नहीं चल पाया। उन्होंने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, मैं ट्विटर या उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, इसलिए जब मैं बेंगलुरु जा रहा था तो मुझे निष्कासन के बारे में पता चला। कम्युनिकेशन गैप की वजह से मुझे पार्टी से निकाला गया। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसे सुधारा जाएगा। आपको बता दें कि मायावती ने कर्नाटक में चल रहे संकट के लिए बीजेपी सरकार द्वारा धनबल का इस्तेमाल करने को लेकर उनकी आलोचना की थी। बसपा प्रमुख ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, कर्नाटक में भाजपा ने संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रखने के साथ साथ जिस प्रकार से सत्ता व धनबल का इस्तेमाल करके विपक्ष की सरकार को गिराने का काम किया है, वह लोकतंत्र के इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज रहेगा। साथ ही मायावती ने कहा, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। उन्होंने इससे पहले मंगलवार को ट्वीट करके बताया था कि कर्नाटक में कुमारस्वामी सरकार के समर्थन में वोट देने के पार्टी हाईकमान के निर्देश का उल्लंघन करके बसपा विधायक एन महेश आज विश्वास मत में अनुपस्थित रहे, जो अनुशासनहीनता है, जिसे पार्टी ने अति गंभीरता से लिया है, बसपा सुप्रीमो ने कहा, और इसलिए महेश को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। मायावती द्वारा कर्नाटक कांग्रेस सरकार को गिरने से बचाने के बारे में सोचना सराहनीय कदम है। हालांकि कुछ परिस्थितियों के कारण उनके नेता को बसपा प्रमुख के आदेशों के बारे में जानकारी न होने के कारण यह विश्वास मत में शामिल नहीं हो सके। एन महेश द्वारा एचडी कुमार स्वामी सरकार के विश्वास मत के दौरान उपस्थित न होने पर तुरंत ही बसपा द्वारा उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देना काबिले तारीफ है। पार्टी हाईकमान द्वारा इस प्रकार के रवैये से यह पता चलता है कि बसपा प्रमुख ने कर्नाटक में पार्टी संकट के कारण राज्य सरकार पर आई मुसीबत को काफी गंभीरता से लिया था। देश भर में बहुजन समाज से संबंधित अनेक घटनाएं घटित हो रही हैं। नेशनल दस्तक YouTube चैनल के माध्यम से लगभग सभी खबरों को आप तक पहुंचाना चाहता है। वीडियो की संख्या अधिक होने के कारण नेशनल दस्तक की टीम को एक ही YouTube चैनल पर दिखाना संभव नहीं है। सभी मुद्दों को जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम ने एक नया YouTube चैनल नेशनल दस्तक 2 के नाम से शुरू किया है। वास्तव में यह चैनल नेशनल दस्तक की एक कड़ी है। उम्मीद है आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमें और बहुजन मीडिया को और भी मजबूत करेंगे। नए चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।